ठीक है स्वामी जी, अब रागी से क्या बनना है उसका ऐलान आपने कर दिया, तो वो उसकी आप तैयारी करें, कोई जो घरेलू नुस्खा आज आप बताने वाले हैं उसकी तैयारी करें। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? वो साग लेना, तो देखो ये थोड़ा सा अजवाइन ना, थोड़ी सी अजवाइन, ये खड़े मसाले रखा करें घर में, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, ये घी में डाल दिया तड़के के लिए, और इसमें फिर जो थोड़ा लहसुन प्याज पसंद करते हैं तो ये भी पड़ा, लहसुन प्याज और अदरक, ये बहुत अच्छे होते हैं, वातनाशक होते हैं, और हींग, हींग तो बहुत ज़बरदस्त है ही, सो है, हींग डाल दिया, हरी मिर्च थोड़ी डालना, ज़्यादा डालने से ना फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ऊपर से नीचे तक, फिर जो है हल्दी, कच्ची हल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर ये वाली डाल दे, सूखी वाली, और ये जो एप्पल विनेगर है और ये जामुन का सिरका है ना, ये भी बड़ा फायदा करता है ग्लूकोज बेंच में, खैर, और अब इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा हिला दिया, और हिला करके अब इसमें ये जो साग था ना इसको पेस्ट कर लिया, बथुआ, पालक, मेथी और सरसों, अब इसको डाला और ये बन गया साग, तो हिलाओ तो भी, और इसको हिलाओ, और ये रागी, रागी ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिए, तो ये रागी और सारे मिलेट्स और बाजरा, इसकी खिचड़ी बनाऊंगा भी, जल्दी बनवाओ, मेरे को भी खाने की इच्छा हो रही है, और ये रागी की रोटी, और रागी की रोटी जो है ना इसमें वो भी बहुत अच्छा रहता है, मानी इसमें फाइबर अच्छा रहता है, और जो रागी है ना और बाजरा, ये हमने ऐसा मंगा रखा है देसी कि इसमें लोच अच्छा आता है, गेहूं की तरह इसकी रोटी ऐसे आप बेल सकते हो, नहीं तो लोग अरे ये तो रोटी इसकी टूट जाती है, तो रोटी टूटेगी नहीं, बल्कि हाँ कितनी फर्स्ट क्लास देखो बन रही है, तो ऐसे गोल गोल रोटी बनेगी, तो रागी और बाजरा खाएं, और रागी बाजरा के साथ ये साग खाएंगे तो ये आज का सुपर फूड है, रागी बाजरा, जिनसे गोल रोटी नहीं बनती होगी स्वामी जी, और ये हिंदुस्तानी फूड है, और इसके साथ ये साग तो चलिए अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, इधर पक गई, अब दूसरी जो है ये तैयार है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, सलाम, प्रणाम।